मैं हूं आचार्य पी खुराना। होम सूत्र में आपका स्वागत है। अगर आप चार फ्लोर तक रह रहे हैं, आज हम चार फ्लोर के ऊपर की बात करें तो तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपकी घर इमारत है तो कहीं ना कहीं जल तत्व की आपके घर में कमी रहेगी। अगर जल तत्व की कमी हो तो क्या क्या होता है, उसमें आपको कार्य करने में असमर्थता होती है, आप कार्य को टालते रहते हैं, मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ, फिर करूँगा, या आपके बच्चे अध्ययन के वक्त उनका मन नहीं लगता, या पति पत्नी में अपना तनाव हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो जल तत्वों को अपने घर में क्रियान्वित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप शंख छोटे छोटे या छोटी छोटी सीप, अगर आप घर में उनको कम से कम उनकी संख्या 21 से ऊपर होनी चाहिए, उसको एक कटोरी में डालकर आप अपने घर के कॉर्नर में रख दीजिए, या उसका हार बनाकर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो जल तत्व की कमी आपके घर में नहीं रहेगी। और ये वास्तु दोष, जल तत्व आपकी दुनिया में आपके लिए बड़ा भी महत्वपूर्ण है। एक बार ये उपाय करिए, फिर इसका आनंद अनुभव आप खुद करेंगे। ऐसा ही एक वास्तु टिप हर बार हर प्रोग्राम में होम सूत्र में आपके समक्ष लाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।